अलेक्जेंडर वॉल्कोनोस्की वर्सेस इस्लाम माकाचेव की फाइट के बारे में बात करेंगे, दोनों के स्टेट्स और प्रोबेबली कौन फाइट जीत सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है इसके बारे में। वीडियो इंटरेस्टिंग रहेगी दोस्तों, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोनों के स्टेट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इस्लाम माकाचेव के बारे में। ये रशिया से बिलोंग करते हैं, माकाचाकला से। इनकी जो एज है 31 और इनका जो उनकी जो हाइट है 5.10 इंच, वेट 155 lbs और रीच जो है वो 70 है। उनका MMA रिकॉर्ड है 23 win 1 loss, ओनली एक लॉस है इनके करियर में। जो 23 win है उनके करियर में वो 4 knockout से जीते हैं, 11 by submission से और 8 fight by decision से। एलेक्स वॉल्को, ये ऑस्ट्रेलिया के फाइटर है, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं ये। इनकी जो एज है वो है 34, हाइट 5.6 इंच, जो इनके लिए डिसएडवांटेज रहेगी मेरे हिसाब से इस फाइट में, और वेट 155 lbs, क्योंकि उन्होंने मूव किया है 145 lbs फीदर वेट में फाइट करते थे, अब वो 155 में लड़ेंगे लाइट वेट में, डबल चैम्प बनना है उन्हें इसलिए। और जो इनका रीच है वो है 71, MMA रिकॉर्ड है 25 win और 1 loss। इन्होंने भी अपने करियर में सिर्फ एक फाइट हारी है, और जो 25 फाइट उन्होंने जीती है 12 knockout से, 3 submission से, 10 by decision से। दोस्तों ये फाइट जो है पूरी तरह से कॉम्पिटेटिव रहेगी, और ये फाइट मुझे ऐसा लगता है ये फाइट इस्लाम माकाचेव जीतेंगे ये फाइट, क्योंकि उनके पास रेसलिंग ग्रैपलिंग अलग ही लेवल की है। देखा है तो लाइट वेट डिवीजन में कोई इनका मुकाबला नहीं है अभी तक का, और एलेक्स वॉल्को जो है उनके पास जो स्ट्राइकिंग है वो फीदर वेट डिवीजन में उनके कंपेरिजन किसी के पास नहीं थी, उनका भी लेवल अलग था, बट वो मूव करके आया है और अभी वो लड़ेंगे लाइट वेट डिवीजन में, तो इनके पास एक डिसएडवांटेज रहेगा। क्राउड का तो उन्हें फ़ायदा मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन जो मूव करके आए हैं और एक हबीब कैम का बंदा इस्लाम माकाचेव, उससे फाइट लड़ना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि उनकी जो मेंटेलिटी और फाइट के प्रिपरेशन जो रहता है वो एकदम अलग प्लानिंग के साथ होता है, गेम प्लान बहुत अच्छा रहता है इनका। तो ये फाइट तो कम्पिटिटिव रहेगी 100%, क्योंकि दोनों ही फाइटर किसी से कम नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है ये फाइट जो है इस्लाम माकाचेव ग्राउंड पर लेके आएंगे, सेकंड या थर्ड राउंड में इस फाइट को वो फिनिश कर देंगे एज अ बाय सबमिशन, क्योंकि एलेक्स वॉल्को जो है अच्छे फाइटर है, टेक डाउन डिफेंड भी अच्छा है, लेकिन जिस तरह हमने देखा चार्ल्स ओलिवेरा भी एक कंप्लीट फाइटर थे, हमें नहीं लग रहा था कि लोग कहते थे कि इस्लाम माकाचेव हारेंगे, हर किसी ने कहा था, 80% लोग ने कहा था कि इस्लाम हारेंगे फाइट, लेकिन वो सबको रॉन्ग प्रूफ कर दिए थे, और एक बार फिर यही बात उठी है कि नहीं एलेक्स वॉल्को सबसे बेस्ट फाइटर है, पाउंड फॉर पाउंड किंग है, लेकिन इस्लाम माकाचेव को ये फाइट जीतना है और जीत कर उन्हें पाउंड फॉर पाउंड किंग बनना है, तो वो इसके लिए पूरी जान लगा देंगे। और हबीब भी ये चाहते हैं कि इस्लाम माकाचेव नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड किंग बन जाए, और इस फाइट का हम इंतजार करेंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है, इस्लाम माकाचेव फाइट जीतेंगे या अलेक्जेंडर वॉल्कोनोस्की? आप अपने थॉट जरूर शेयर करो दोस्तों कमेंट करके, और ज्यादा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि UFC और MMA की सारी न्यूज़ मैं आप तक इसी तरह पहुंचाते रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।